हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट ऑडियो विजुअल एड्स। ओके, आज का हमारा टॉपिक है श्रव्य दृश्य सामग्री। ये जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, ये हम टीचिंग में यूज की करते हैं। थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में। ऑडियो विजुअल एड्स आर इंस्ट्रक्शनल एड्स, ओके, दैट आर यूज्ड बाय द टीचर के द्वारा यूज किए जाते हैं टू कन्वे द कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज मोर एफिशिएंटली एंड सक्सेसफुली टू द स्टूडेंट्स। द रैशनल ऑफ यूजिंग दिस वर्बल विजुअल मटेरियल इज टू अपील द आईज एंड ईयर्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मेक द लर्निंग ईजी एंड परमानेंट। Due to the technological advancement, the use of audio-visual aids has increased over the time. The present-day technology offers many choices to the teachers, lecturers, and curriculum development who wishes to capitalize on the new generation's appetite for multimedia presentation. डेफिनेशन पढ़ते हैं इसके। ऑडियो विजुअल एड्स आर एनी डिवाइस विच कैन बी यूज्ड टू मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस मोर कॉन्क्रीट, मोर रियलिस्टिक एंड मोर डायनामिक। नेक्स्ट, ऑडियो विजुअल एड्स आर दोज सेंसरी ऑब्जेक्ट्स और इमेज विच इनिशिएट और स्टिमुलेट एंड रेनफोर्स लर्निंग। ये बर्टन ने कहा है, विजुअल एड्स आर एनी इंस्ट्रक्शनल डिवाइस दैट कैन बी सीन व्हाट नॉट हियर्ड। ओके, इसमें क्या हो सकता है, विजुअल एड्स में हम देख सकते हैं ना कि सुन सकते। ऑडियो एड्स आर एनी इंस्ट्रक्शनल डिवाइस दैट कैन बी हियर्ड व्हाट नॉट सीन। ऑडियो में क्या कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। और ऑडियो विजुअल एड्स दोनों ही दृश्य श्रव्य सामग्री होते हैं, इसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इनकी प्रिंसिपल्स हैं, ऑडियो विजुअल मटेरियल शुड फंक्शन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी सेंट्रलाइज्ड अंडर स्पेशलाइज्ड डायरेक्शन एंड लीडरशिप। एडवाइजरी कमिटी शुड बी अपॉइंटेड फॉर द सिलेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एवी एड्स। इंस्ट्रक्टर्स हैव टू हेल्प द स्टूडेंट हाउ टू यूज एवी एड्स, यानी ऑडियो विजुअल एड्स। बजट अप्रोप्रिएशन शुड बी मेड रेगुलरली एंड लीगल एस्पेक्ट शुड बी कंसिडर्ड। पर्पज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, क्या उद्देश्य हैं इनके। एंटीडोट टू द डिसीज ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शंस, वेस्ट मोटिवेशन, क्लियर इमेज, विशेरियस एक्सपीरियंस, वैरायटी ऑफ स्टिमुलेशन, अपॉर्चुनिटीज टू हैंडल एंड मैनिपुलेट, रिटेंशन। इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशन, यानी टू टाइप बेस्ड होते हैं, प्रोजेक्टेड एड्स और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। प्रोजेक्टेड कौन कौन से होते हैं, फिल्म स्ट्रिप्स, ओपक्यू प्रोजेक्टर, ओएचपी ओवरहेड प्रोजेक्टर। और जो नॉन प्रोजेक्टेड होते हैं वो होते हैं ऑडियो एड्स, ग्राफिक डिस्प्ले और एक्टिविटी। ऑडियो में रेडियो, टेलीविजन रिकॉर्डिंग्स, और ग्राफिक एड्स में चार्ट्स, कार्टून, डायग्राम्स, फ्लैश कार्ड, ग्राफ्स, मैप्स, फोटोग्राफ, पिक्चर्स, पोस्टर्स, मॉडल्स। और डिस्प्ले बोर्ड्स में ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड्स, फ्लैनल बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड और पैग बोर्ड। एक्टिविटीज एड्स में डेमोनस्ट्रेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन, फील्ड ट्रिप।
अब इसका पढ़ते हैं कॉमन क्लासिफिकेशन। जब से हमने पढ़ा था प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड, अब है कॉमन जिसमें ऑडिटरी है और विजुअल। ऑडिटरी जो केवल सुना जा सकता है, जिसको देखा नहीं जा सकता है। एनी इंस्ट्रक्शनल डिवाइस दैट कैन बी हियर, जिस हम सुन सकते हैं बट नॉट सीन, जैसे टेप रिकॉर्ड्स, माइक्रोफोन्स, एम्पलीफायर, ईयरफोन्स एक्सेट्रा। और जो विजुअल एड्स होते हैं, एनी इंस्ट्रक्शनल डिवाइस दैट कैन बी सीन बट नॉट हियर। विजुअल एड्स को क्या कर सकते हैं, हम सीन करते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। नॉट रिक्वायरिंग प्रोजेक्शन, चॉकबोर्ड, नॉट रिक्वायरिंग प्रोजेक्शन, चॉकबोर्ड, फ्लैनल ग्राफ, एग्जिबिट्स, पोस्टर एक्सेट्रा। रिक्वायरिंग प्रोजेक्शन स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, एपिडाइस्कोप्स और OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर। ऑडियो विजुअल एड्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल एड्स। जो ऑडियो एड्स होते हैं, दोज मटेरियल्स दैट फंक्शन एज एड्स एंड अपील टू द ईयर्स आर कॉल्ड ऑडियो एड्स और साउंड एड्स। एग्जाम्पल्स हेडफोन, लिंगोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। और विजुअल एड्स में द मटेरियल एड्स दैट अपील टू द आईज और विजुअल एड्स, टेक्स्ट बुक, पिक्चर, फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स, ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, फ्लैनल बोर्ड, चार्ट, मैप्स, मॉडल्स, एपिडाइस्कोप, पिक्चर एक्सेट्रा। ऑडियो विजुअल एड्स जिससे क्या होता है, आईज और ईयर्स दोनों से ही सुना और देखा जा सकता है, जैसे टेलीविजन, फिल्म, सिनेमा। करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी, गुड टीचिंग एड्स की क्या विशेषताएं होती हैं? दे शुड बी मीनिंगफुल एंड पर्पजफुल। कैसे होने चाहिए, वो मीनिंगफुल होने चाहिए या पर्पजफुल होने चाहिए। दे शुड बी एक्यूरेट इन एवरी एस्पेक्ट। दे शुड बी सिंपल होने चाहिए। दे शुड बी चीप। दे शुड बी इम्प्रोविज्ड एज फॉर एज पॉसिबल। दे शुड बी लार्ज इनफ टू बी प्रॉपरली सीन बाय द स्टूडेंट्स फॉर हुम दे आर मीन्ड। दे शुड बी अप टू डेट। दे शुड बी ईजली पोर्टेबल। दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दे शुड मोटिवेट द लर्नर्स। इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है। दीज एड्स टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी इन अ नंबर ऑफ वेज बिकॉज दे मेक द टीचिंग बिकम मोर इफेक्टिव एंड द लर्निंग बिकम्स ईजियर एंड परमानेंट। दे अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग मोटिवेशन एंड स्टिमुलेशन। Economical for the time and energy because they explain the idea easily and precisely and reduce the burden of the teacher by overcoming the limitation of the classroom. Provide varied experience to the students when they study different subjects. It facilitates the students to understand the different cultural backgrounds. Helps to increase the understanding of the subject by bringing the learner in direct contact with the learning objects. They are an important ways for the direct method of teaching. These aids help the learners to remember the things in a better way. The learning is always more lasting. A good English teaching is possible in a natural environment. The audio-visual aids help in creating a natural and congenial environment. Teaching and learning a foreign language is always difficult. The audiovisual aids are always helpful even for teaching of English. They give wonderful results. These aids are very helpful in focusing the attention of the students to learn a particular lesson with the help of these aids. The teacher can easily follow the maximum of English teaching from concrete to abstract with the help of these material aids.
These aids help to acquire an indirect experience of the subject matter. The vocabulary and the subject matter develops immensely. The interest in studies is sustained. The phraseology is elucidated and effective command on the language is gained. The sound and verbal aids create an anxious about learning in the students and also develops the learning habit because the teaching method and the medium appear real to them and are not abstract. Learning a new language requires real experiences. The teaching aids break the monotony of the class, their huge dullness and the boring aspect of the class. The direction experienced with the help of these material aids make the class lively. इसका जो इलस्ट्रेशन होता है ऑडियो विजुअल एड्स का, इसका होता है वर्बल और ऑडियो विजुअल. ऑडियो विजुअल में विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स आते हैं. विजुअल में आते हैं न्यूज प्रिंट, पिक्चर एड्स ऑफ फिल्म्स, सेमी पिक्टोरियल डिवाइसेज, मैप, चार्ट, डायग्राम्स, डेमोन्स्ट्रेशन बाय द टीचर्स. ये सब विजुअल एड्स में आते हैं. इनका यूज किया जाता है इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज एंड देन यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स मेक द लर्निंग इजी हेल्पफुल इन कंसंट्रेटिंग द पपल्स अटेंशन. द विजुअल एड्स इन क्लासरूम टीचिंग स्टिमुलेट्स इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट्स एंड इट यूज लीड टू अ होल हार्टेड अटेंशन ऑफ द लर्नर. द यूज ऑफ एड्स हेल्प इन मेकिंग द होल वर्ल्ड अ रियल ऑडियंस ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.